वेलकम टू स्निगल। मेरा नाम है सुमित। तो आज मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि 3D व्यू के बारे में, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे या फिर नॉर्मल सा कोई PC पे 3D वीडियो या फिर 3D मूवीज देख सकते हो कि नहीं। तो यही वीडियो को पूरी तरह से देखो तो पता चल जाएगा कि कैसे आप देख सकते हो, ज़रूर आप देख पाओगे, और कौन कौन सा चीज़ को खरीदना पड़ेगा, और बजट फ्रेंडली चीज़ ही मैं बताऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले ही बता देता हूँ जो मैं 3D के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस तो आपको नहीं मिलेगा, पर ओवरऑल जो 3D एक्सपीरियंस है आपको मिल जाएगा, जैसे कि आमतौर पर हॉल पे मिलता है। आपको बड़ा TV लेना चाहिए अगर आप 3D देखना चाहते हो, छोटे TV भी या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल पर भी देख सकते हो, पर मोबाइल पर अवेलेबल नहीं है आमतौर पर अभी तक कोई एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने यूज़ किया है KM प्लेयर को पर्सनली मेरे PC पे, और ट्रायल वर्सन ही काफ़ी है, वहाँ पर फुल वर्सन ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर ऐड भी दिखाता है तो ऐड को क्लोज़ कर देता हूँ और चलता रहता है अपने आप। और ये है वो चश्मा जो आपको ख़रीदना पड़ेगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन से। ऑफलाइन पे तो अवेलेबल नहीं होता ज़्यादातर, यहाँ पर दिखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर एक लाल और एक नीला वाला जो आंखों पर जो ग्लास दिया गया है चश्मे पर, ये ज़रूरी है इस 3D टाइप के जो प्रोसेस है उसको देखने के लिए, और 3D एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ गेम प्लेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा और कोई 3D वीडियोस चलाओ और उसे देखो। कैसे चलाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास अगर 3D वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन है या फिर खरीदा हुआ कोई प्रोडक्ट ओरिजिनली है, जैसे कि कोई मूवी अवतार जो 3D में दिया गया है, बहुत सारे मूवी जैसे कि जस्टिस लीग या फिर सुपरमैन वर्सेस बैटमैन जो रिलीज़ हुआ था कुछ साल पहले, और उसके बाद जो रिलीज़ हुआ लेटेस्ट जो जस्टिस लीग जैसे कि मैंने बताया पहले ही, तो वो सब मूवी 3D में रिलीज़ होता है आमतौर पर। सभी जो हॉरर फिल्म्स भी होता है 3D में कभी कभी दिख जाता है, तो आप इजीली 3D को एक्सपीरियंस कर सकते हो इस टाइप के चश्मे से। और आपको सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ेगा KM प्लेयर जो कि मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में यानी आपको मिल जाएगा इंटरनेट से ही डाउनलोड करने पर, या फिर कोई फ्रेंड से ले लो आपके पास इंटरनेट ना हो तो। और ये चश्मा ज़रूर ख़रीदना पड़ेगा, ऑनलाइन से ख़रीदना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है, आप इसे खरीदो और पहनो, और KM प्लेयर से ही आप देख सकते हो। KM प्लेयर से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आमतौर पर जो दिखाता है जो कलर जो डिफरेंटली दिखाता है, 2 स्क्रीन में स्प्लिट हो जाता है, ऐसे भी 3D चलता है, आपको दूसरा वाला चश्मा खरीदना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं कम से कम रुपये में आपको एक्सपीरियंस दे दूंगा। इस चश्मे का प्राइस होता है, पर चश्मे का 300 रुपये तक ही प्राइस होता है। मैंने भी ख़रीदा है कई चश्मे, और मेरे फैमिली में भी यूज़ करता है, मेरे दोस्त भी यूज़ करते हैं जब मेरे घर पे आते हैं, या फिर उसके आमतौर पर वही घर पे जाके यूज़ करता है। मैंने उसे भी बताया है, वो लोग सभी लोग 3D एक्सपीरियंस एंजॉय तो करता है, और मैं कहूँगा कि कम प्राइस में इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा 3D के लिए। तो ये 3D ज़्यादातर बच्चों को नहीं पहना जा सकता, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत आंखों पर फर्स्ट टाइम जब मूवीज़ वगैरह देखते हो इस चश्मे से कभी कभी प्रॉब्लम आता है। तो मेरे पास भी इसके जैसा कुछ ग्लास है, तो वो ग्लास किस तरह का दिखता है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो अभी नहीं उठ सकता वीडियो को छोड़ के, और वो ग्लास मेरे पास लाना ही भूल गया हूँ, इसके लिए सॉरी। ये ग्लास कैसा दिखता है मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हो, ये है मेरा 3D ग्लास, मैं इस 3D ग्लास से यूज़ करता हूँ। ये NVIDIA का दिया गया है, NVIDIA का लोगो होता है, वैसे तो ओरिजिनल नहीं है। NVIDIA अगर ओरिजिनल इसे प्लेस करता है ऑर्डर में तो इसका प्राइस 200 या 300 के जगह पर 2 या 2500 भी हो सकता था। इसके लिए मुझे पसंद है कि लो बजट वाला जो 3D मुझे एक्सपीरियंस दे सके, यही तक लाल और नील। आप इजीली पेंट भी कर सकते हो कोई ग्लास के ऊपर लाल मार्कर या फिर नील मार्कर से कोई भी पेंट करके उसे यूज़ कर सकते हो नॉर्मल चश्मे पर। तो आमतौर पर नॉर्मल जो यूज़ किया हुआ चश्मा है उसे ही यूज़ करो, ऑलरेडी यूज़ किया नहीं फेंका हुआ चश्मा है उसे ही यूज़ करो, और यूज़ किया हुआ चश्मे पे करोगे तो शायद आपको प्रॉब्लम आ जाएगा।
दूसरा बार यूज नहीं, दूसरे वक्त आप उसे यूज नहीं कर पाओगे, जैसे कि आप रीडिंग या फिर आमतौर पर जब आप बाहर निकलते हो वो चश्मा पहन नहीं सकते, कोई पागल कहलाएगा। तो यही जो 3D ग्लास है आप ज़रूर खरीदो। और गेम प्लेयर पर एक सेटिंग करना पड़ता है कि जब आप 3D डबल क्लिक करके ऑन करते हो कोई वीडियो को, आपको दिख जाता है दो स्प्लिट स्क्रीन, जो कि आपको 3D व्यू देने में प्रॉब्लम आता है। और इस तरीके का जो लाल और नीला वाला ग्लासेस से आपको 3D दिखाया जाएगा, तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा? तो एक फुल स्क्रीन जब आता है आपको देखने को मिलता है लेफ्ट साइड पे, एक छोटा सा बॉटम साइड पे, लेफ्ट बॉटम साइड पे आपको छोटा सा आइकॉन मिलता है जो कि 3D टाइप का लोगो देता है, उसमें एक क्लिक करके आप समझ सकते हो कि कौन सा जो व्यू है आपके लिए सही है। तो वहाँ पर जो दिखेगा तीन तीन कलर जो अलग से दिखाता है, एक ही साथ मैं हूँ, इसके साथ एक कलर है और इसके साथ एक कलर है, तीनों कलर वेरिएशन आपको दिखाता है एक ही व्यू में, वही जो व्यू है आपके लिए 3D व्यू सही रहेगा इस ग्लास के साथ देखने में, जो कि मैंने दिखाया था। आप इसे जैसे कि बनाया गया है इसमें देख सकते हो, इन जैसे जो छोटा वाला 3D चश्मा नीचे दिखा रहा है ना, इसे भी आप घर में बना सकते हो और ये काफ़ी इजी होता है बनाए। इसके कॉस्टिंग करीब लाल और नील सेलोपिन पेपर या फिर वाइट कलर का सेलोपिन पेपर के ऊपर लाल और नील कलर कर दो और उसे लगाओ चश्मे के जैसा कोई कार्डबोर्ड पे और उसे यूज़ करना शुरू कर दो और एंजॉय करो 3D मूवी। तो यही से भी होता है, आप ज़रूर कर सकते हो। तो यही छोटा सा ट्रिक्स था, मैंने आपको बता दिया, तो आप इजीली देख सकते हो या फिर यूट्यूब से कई सारे 3D मूवीज़ डाउनलोड करके, या फिर डाउनलोड नहीं किया जाता आमतौर पर यूट्यूब से, और आमतौर पर जब आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो यूट्यूब से आप देख सकते हो कि 3D मूवी कहाँ कहाँ पर है, तो उसे आप इजीली एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर भी सेटिंग मिलता है, वहाँ पर सेटिंग करके आपको ज़रूर ख्याल में रखना होगा कि साइड बाय साइड जो व्यू है वो आपको नहीं लेना है, दूसरा वाला व्यू ट्राई करो जो तीनों वेरिएंट्स पर आता है, कलर वेरिएंट्स जो तीन साइड बाय साइड दिया देता है, तो वही आपका जो चश्मा है नील और लाल ग्लासेस वाला उसके ऊपर डिपेंड करके आपको अच्छा व्यू दे देता है और अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है इसके प्राइस की अगर बात करें तो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मुलाकात होगा, गुड बाय, जय हिंद।